हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम एंटरटेनमेंट पे। आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप सूखी मलाई के घी वाला लड्डू बना सकते हैं। सूखी मलाई, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि कैसे आपको स्टोर की हुई मलाई से घी निकालना है। जब घी निकल जाएगी तो देखिए इस तरह से आज जो नीचे बचेगा उसको कहते हैं सूखी मलाई। हम लोगों ने छन्नी से नहीं छाना था, आपको दिखाया था। हम लोगों ने करछू से धीरे धीरे करके घी निकाली थी, इसलिए इसमें अभी देखिए नमी और घी बरकरार है। अगर हम छन्नी से छानते तो घी सारी निकल जाती तो उसका लड्डू नहीं बन पाता। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको बनाना कैसे है। आपको इसके लिए हम गर्म कर लेंगे सूखी मलाई को पहले थोड़ा सा, उसके बाद में गूंद लेंगे, इस गुड़ को महीन कर लेंगे एकदम मलाई जैसे हमारी सूखी मलाई है उस तरह से कर लेंगे इसको। और थोड़ी सी किशमिश चाहिए, बस हमें तीन ही चीज चाहिए सूखी मलाई का घी वाला लड्डू बनाने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले गुड़ को महीन कर लेते हैं। देखिए हाथों से ही ऐसे आपको फोड़ लेना है इसे, छोटे छोटे बाइट करने के बाद। थोड़ा हार्ड होते हैं, आप चाहें तो जिससे आप अदरक को कूटते हैं उससे भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सूखी मलाई की तरह हमारा गुड़ भी एकदम से महीन हो चुका है। अब हम इसको मिक्सअप कर लेंगे। आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप मलाई से घी निकालिएगा, अगर आप छन्नी से निकाल रहे हैं तो ये लड्डू आपके नहीं बन पाएंगे। अगर आप करछुल से निकाल रहे हैं तो बन पाएंगे, लेकिन अगर आप करछुल से निकालने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप जब भी छन्नी से घी को निकालिएगा थोड़ा सा घी उसमें नमी बनाए रखिएगा, पूरा का पूरा निचोड़िएगा नहीं, तो ये लड्डू आपके बहुत आसानी से बन जाएंगे। लड्डू बहुत टेस्टी होते हैं, आप बना के खा के जरूर देखिएगा। और अगर आपको मलाई से घी निकालना नहीं आता तो इससे पहले वाला वीडियो आप हमारा जरूर देखिएगा। चलिए अब ये देखिए तैयार है, अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से आपको मलाई और गुड़ को ले लेना है, इसके बाद में इसमें एक किशमिश डालनी है, फिर इसका लड्डू बनाना है। आप किशमिश को इस तरह से डालिएगा कि उस बीच में रहे। देखिए देखिए घी कैसा दिख रहा है, लग रहा है जैसे घी एकदम हाथ में चिपक चुका है। ये टेस्ट घी और गुड़ से ही आएगा। अगर आप बहुत सूखी मलाई रखेंगे उसमें घी नहीं तोड़ेंगे, पूरा घी निचोड़ लेंगे तो लड्डू अच्छा नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। देखिए कितने सुंदर लड्डू बने हैं, अब पूरे लड्डू बना के आपको हम दिखाते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छा होता है, ये तो घर का बना होता है, ये चीज बहुत अच्छी है। इस लॉकडाउन आप इस चीज को बना के जरूर खाएं, ये घर की मिठाई है और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, हम गारंटी के साथ कहते हैं। बहुत अच्छे से वो खाएंगे और आपको मार्केट से मिठाई मंगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये बाय वन गेट टू का ऑफर है। आप दूध लाइए, उससे मलाई बनाइए, घी भी तैयार करिए और लड्डू भी तैयार करिए। देखिए दोस्तों, तैयार है हमारा सूखी मलाई का घी वाला लड्डू। आप भी इस तरह से लड्डू अपने घर में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी लड्डू जरूर बनाएं। अगर आपके भी लड्डू ऐसे ही टेस्टी हम लोग जैसे बने तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।